वो पटना से घोषित करेंगे। यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, इतने में सीटीईटी के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा मचा दिया। अभ्यर्थी इतने आक्रोशित थे कि सारा गुस्सा कुर्सी पर ही उतार दिया। सीएम यहां मनोज कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगने आए थे, शिक्षा मंत्री भी यहां पहुंचे थे। सीटीईटी अभ्यर्थियों ने हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि सीएम जब मंच पर आए तो अभ्यर्थियों से एक अपील कर दी। वो पटना से घोषित करेंगे, यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। अगर वहाँ कहने से ये रिपोर्ट हो जाएगा कि हम लोग नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ कहना नहीं। चिंता मत करिए, सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है, सबको अधिक से अधिक बहाली मिले और जितना तेजी से काम हो सकता है शिक्षकों का उसके लिए ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है। इसलिए अब कहीं भी मीटिंग में जाकर के सब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो कर चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता उनता मत करिए। तो अभी आप कर रहे थे, अभी चले गए, हम सोचे कि यही रहिएगा तो हम आप लोगों को तो और कुछ कह देंगे, तो चले गए, अभी कोई चिंता नहीं। लेकिन यहां से चले गए हैं, आग्रह करेंगे कि आप जरूर अपने हित में वोट दीजिएगा। तो सुना आपने, सीएम कह रहे हैं समय आने दीजिए, सब किया जाएगा, ये उचित जगह नहीं है। लेकिन सीएम की बात से पहले ही सीटीईटी अभ्यर्थी अपना सब्र खो चुके थे। देखिए इस वक्त हम कुटनी विधानसभा में मौजूद है और यहीं पे अभी से थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुटनी में मनोज कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे और ऐसे में ठीक उनके सामने जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथों में पोस्टर थी, साथ ही वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हाय हाय मुख्यमंत्री, हाय हाय मुख्यमंत्री, शर्म करो के नारेबाजी कर रहे थे। इसी पंडाल के ऊपर वे लोग चढ़ के प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग थे जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण को यहाँ पर सुनने के लिए पहुँचे थे और उनको सुनने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों में और यहाँ के मौजूद स्थानीय लोगों में दोनों के बीच गहमागहमी हुई, दोनों के बीच बहसा बहसी हुई। उसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए और स्थानीय लोगों ने कुर्सियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुर्सियों से मारकर उन अभ्यर्थियों को यहां से भगा दिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थी जो है वो यहां से चले गए, फिर प्रदर्शन जो है वो यहीं पर रुक गया। अनिकेत कुमार, बिहार तक, मुजफ्फरपुर।